हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में आपके नीट एग्ज़ाम, जो अपकमिंग नीट एग्ज़ाम है 1 अगस्त में, तो ये टाइम जो है, जो एस्पिरेंट है उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, जिसमें उनको काफ़ी स्ट्रेस होती है एग्जामिनेशन को लेके, प्रिपरेशन को लेके। इवन जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नीड होती है मेंटर सपोर्ट और गाइडेंस का। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ मेंटर गाइडेंस और सपोर्ट आपको प्रोवाइड करो, जो अभी पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो है कि आपको जो है मैं ये वीडियो लेक्चर आप तक प्रोवाइड करूँ। आप इसे देखिए रेगुलर बेसिस पे, अपने पढ़ने के टाइम में से निकालिए, ये आपको पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप मेंटली अगर पीस को, मेंटल पीस को अगर फील करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, आपकी रीजनिंग अच्छा होगी, आपकी थिंकिंग अच्छा होगी, आपकी मेमोरी अच्छा होगी। अगर आप नर्वस और एंजाइटी को फील करेंगे तो ये हमारे बॉडी का नेचुरल फंक्शन है कि जब आप नर्वस होते हैं, जब आप एंजाइटी और अनसिक्योरिटी को फील करते हैं, तो आपके बॉडी हार्मोन इस कंडीशन में आ जाते हैं। आपके ब्लड में बहुत सारा एड्रेनलिन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी मेमोरी कैपेसिटी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसके कंपैरिजन में जब आप एक ट्रंकुलाइजर की फेज में होते हैं, जब आपका मेंटल पीस होता है, जब आप जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे क्रिकेट में आप बोलते हैं ना कि बैट्समैन आज फॉर्म में है, तो वही बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करता है, वही प्लेयर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और कभी जब वो फॉर्म में नहीं होता है तो फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो ज़रूरी है आपका फॉर्म में होना। वो कैसे पॉसिबल होता है? तो वो पॉसिबल है कि आप मेंटली जो है, आप जो है पीस को फील करें, आप में कॉन्फिडेंस हो, आपको ये चैलेंज जो ऐसा ना लगे जिसकी वजह से आप में एंजाइटी है ना, आप में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आए। अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। अब ये चीज़ें होंगी कैसे, ये कैसे आप अचीव करेंगे, तो उस बात को मैं बताने के लिए आपको कुछ चीज़ें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि पहले तो जो प्रॉब्लम है, जो इस समय आपकी स्ट्रेटजी है कि सिलेबस को रिवाइज कैसे किया जाए, जो सिलेबस का रिवीजन आपको करना है, उसमें जैसे मैंने बताया कि सिलेबस एक बड़े से माउंटेन जैसा आपको दिख रहा है जो ख़त्म ही नहीं होता। तो कैसे आपको मैंने बोला था, और जिन्होंने मुझे सीरियसली लिया होगा, अगर अभी तक आपने नहीं सीरियसली लिया तो आप जाके एक बार उसे फिर से देखिए उस वीडियो लेक्चर को, और जिन्होंने उसे किया होगा तो अब तक आपके पास जो बेनिफिट मिली होगी कि पूरे सिलेबस में से जो चैलेंजिंग पोर्शन है उसे आपने निकाल लिया होगा, यानी बड़े से पहाड़ में से आपने छोटा सा वो टुकड़ा, एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम इतना बड़ा सा एक माउंटेन दिख रहा था उसमें रियल प्रॉब्लम कहीं छोटी थी, ये रियल है और ये वर्चुअल है जो आपको दिख रहा था, ठीक है। तो अगर आपने इस रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड कर लिया होगा, अगर आपने इस रियल प्रॉब्लम को निकाल लिया होगा, ये अलग बात है कि हर इंडिविजुअल के लिए ये रियल प्रॉब्लम अलग अलग होगी, किसी की थोड़ी बड़ी होगी, किसी की थोड़ी छोटी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने पीछे के टाइम में कितने अच्छे से स्टडी किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आपको बहुत कम चैलेंजिंग टॉपिक मिले होंगे, अगर थोड़ी अच्छे नहीं की है तो थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन कभी भी ये इतना बड़ा तो नहीं होगा, ये बहुत छोटा होगा। आज मैं बताऊं कि इस छोटे को कैसे निपटाना है। एक्चुअल में एग्जाम से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने से पहले, अगर साइकोलॉजिकली इन सब गेम को आप जीत चुके हैं तो उस दिन तो जस्ट एक कस्टमरी होती है कि वहाँ बैठना है। एक्चुअल में जिसको सेलेक्ट होना है ना, वो दिमागी रूप से पहले ही उसका जो है माइंड मेकअप हो चुका होता है, उसे कैसे भी हालात में उस दिन पेपर मिलेगा ना वो कर देगा, ठीक है। तो ये जो जर्नी है, हमें वहाँ तक पहुँचना है,
और अंदर जो है हमारे पास एक मोटिवेशन हो, एक इंस्पिरेशन हो विक्ट्री के लिए या फिर अपने गोल के अचीवमेंट के लिए। और वो तभी होगा जब कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपने वर्क किया होगा। वर्क करने के ही अप्रोच को मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी तक जो आपको बताया था उसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम में से छोटी प्रॉब्लम निकाल ली, ठीक है। अब ये जो छोटी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बोला था कि आप बुक को खोलेंगे और हर चैप्टर से इसे निकालेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। इसको आप फॉलो करिए बिल्कुल एक रिलीजन के रिचुअल की तरह, जैसे रिलीजन में ना एक रिचुअल होता है, ठीक है। रिचुअल का मीनिंग ये होता है वो दिखावा होता है, ठीक है, लेकिन उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर आप हिंदू रिलीजन को जानते हैं तो आप जानते हैं कोई आरती करता है या कुछ दिखावा करता है, दिया जलाता है, अगर मुस्लिम है तो नमाज वगैरह करता है इस तरीके से। तो उसको करते वक्त जो आपके मन में जो फेथ होती है ना, जितने मन से आप करते हैं उतने ही मन से इसको करिए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, समझे इस बात को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे रिचुअल की तरह करिए। रिचुअल की तरह करने का मतलब यही है कि इसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा फेथ हो, आपको लगे कि इसे मुझे करना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना चाहिए। और ऐसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड आज जो आपकी मेंटल हालत है, जिस आप कंडीशन में हैं, आपकी सारी चालाकी, सारा आपका स्मार्टनेस और सारा वो जो है वो धरा रह गया। आप कहीं ना कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी है। जब आप हेल्प ले रहे हो ना तो पूरे सरेंडर करके, पूरे फेथ रखते हुए एक एक बात को वर्ड बाय वर्ड मानिए। देखो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होते थे क्लासरूम में, सक्सेस सबको मैं ही पढ़ाता था, सब जो है एक ही लेक्चर को सुनते थे, लेकिन सक्सेस उनको मिलती थी ना जो रिचुअल की तरह फॉलो करते थे, जो कंप्लीट फेथ रखते थे। वैसे आपको बताया भी गया है कि आपको गुरु पे, टीचर पे फेथ रखनी चाहिए। जब आपने किसी को गुरु बना लिया तो उसकी बात को मानिए। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना उसे बस मानिए, क्योंकि आपके पास अगर इससे अच्छी एडवाइस है, अगर इससे अच्छी आपके पास थिंकिंग है, अगर इससे अच्छा आपके पास सलूशन है, तो कोई बात नहीं, आप उसे फॉलो करिए। लेकिन कोई एक तो फॉलो करो, अगर कोई नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात, मेरे इस एफर्ट का तभी फ़ायदा होगा अगर आप इसे रिचुअल की तरह फॉलो करेंगे। आपको फॉलो करना है, एक एक वर्ड बाई वर्ड फॉलो करना है, और तब जो है इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आपने एक बड़ी प्रॉब्लम में से, जो आपको पूरा होल सिलेबस दिख रहा था उसमें से मेन उन पॉइंट को निकाल लिए जहाँ पे आपको रियल प्रॉब्लम है, पूरा सिलेबस थोड़े प्रॉब्लम है, साल दो साल से आप उसे पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो ज़बरदस्ती के जब उन्हें देखते हो तो वो प्रॉब्लम दिखती हैं। अब आपने अलग आइडेंटिफाइड किया। अब देखो आप एक काम करोगे, आप काम ये करोगे कि आप A4 साइज पेपर लोगे, ठीक है। जैसे A4 साइज पेपर लोगे, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जैसे ये एक A4 साइज पेपर है, ठीक है। अब जो है, जैसे मैं आपको एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे आप दूसरे सब्जेक्ट को भी लेंगे। जैसे बायोलॉजी को लेते हैं, बायोलॉजी में आपके पास हैं 36 चैप्टर, ठीक है, 36 चैप्टर, मैं प्लस माइनस उसको मान रहा हूँ जो आपका अर्थवर्म वगैरह है, जो टॉपिक कम ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 36 चैप्टर है, ठीक है। अब देखो आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले अभी भी आपके पास देखो टाइम कितना है, आज हो गई 25, तो आपके पास अभी भी 35 डेज हैं, ठीक है। इसमें दो बार आपको स्ट्रेटजी बदलनी है रिवीजन की। ये आपका राउंड फर्स्ट है, ठीक है, ये राउंड फर्स्ट है। अभी हम इस बड़ी प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा छोटा करेंगे, और फिर जो है 15 दिन बाद उसे एक बार और छोटा करेंगे, और लास्ट मोमेंट में आपके पास प्रॉब्लम ना के बराबर होगी। तो अभी आप ये करोगे
कि चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज जैसे मान लो ये जो है चैप्टर फर्स्ट है, या फिर आप यूनिट वाइज, अभी आप चैप्टर वाइज ही इसे नोट करो कि जितनी प्रॉब्लम थी जब आपने उसे आइडेंटिफाइड कर लिया था तो उनको आपको पढ़ना था। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे पढ़ा होगा आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल रही होंगी, तो आप इस A4 साइज पेपर में उनको नोट डाउन करिए बुलेट पॉइंट के फार्म में, पैराग्राफ में नहीं लिखना, बुलेट पॉइंट के फार्म में। अगर डायग्राम है तो डायग्राम बना लो। आपको कोशिश ये करनी है कि एक पेज से ज़्यादा ना जाए, जो प्रॉब्लम है ना वो एक पेज से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए आज की डेट में। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, देखो ये चीज़ उसी पे ट्राई करनी है जो मोर देन 50% आपको जो है आ रहा हो। अगर आपको लेस देन 50% पता है या बिल्कुल नहीं पता, 10% भी नहीं पता, तो उसको स्किप कर दो, हटा दो, ठीक है। उसको अपने रिवीजन शेड्यूल में मत रखो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जिसमें आपको 50% चांस है कि बस एक आध बार भूल जाता है तो उसको यहाँ पे नोट डाउन करो। ऐसे अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको 36 पेज होंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट के, बायोलॉजी के। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के करोगे तो मैं मान ले रहा हूँ, अगर उनके नंबर आप चैप्टर को आप काउंट करिए और इसी हिसाब से उनमें भी बनाते चलिए, ठीक है, वहाँ तो और भी कम होगा। अगर कोई पैराग्राफ या उस टॉपिक को जस्ट नोट करो, पूरे टॉपिक को नहीं, टॉपिक की सिर्फ हेडिंग, जैसे मान लीजिए अब बायोलॉजी में आप जो है एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं 11th में, तो एक टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो बस काउंटर करंट मैकेनिज्म को नोट कर लो, इसका मतलब ये होता है, और इस पे आगे पेज नंबर भी नोट कर लो कि किस पेज नंबर पे है ये, ठीक है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वैसे तो आपको याद हो गई होगी पूरी बुक अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको किताब तो याद ही हो गई होगी। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट को बुक को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद करवा देता था, उन्हें रात के 3 बजे भी उठा के पूछोगे तो उन्हें पता होता था। फिर भी चलो आप पेज नंबर नोट ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ये एक्सक्रीशन में एक पॉइंट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो वो नोट करो। ऐसे ही 2-4 और पॉइंट है तो उनको नोट करो, ठीक है, जस्ट उनको नोट कर डालो। अब क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को, ये जो आपने सिलेबस निकाले, जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मान लो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 30 पेज फिजिक्स में, ठीक है, और 40 पेज जो है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में थोड़ा मान के चल रहा हूँ चलो ज़्यादा हो गया क्योंकि आपने उसमें जो है फार्मूले वगैरह ज़्यादा हैं, और ये टोटल जो है इसे अगर हम राउंड फिगर में कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे अगर हम राउंड फिगर में ले रहे हैं, इसको भी मान लो 40 पेज ही कर लो, ठीक है, तो ये हो गया करीब 110 पेज, 110-120 पेज, ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको ये ध्यान देना है कि इन 110-120 पेज जो आपके पास निकल के आए हैं, जस्ट इसको पढ़ना है, अभी जो टाइम बची है, पूरी किताब उताब को नहीं छूना है, इनमें से एक एक पॉइंट को पढ़ते जाना है, और यहाँ जब वो पॉइंट आप पढ़ लो तो उसे ट्रिक करो। अगर वो बहुत बेहतर से आपको आ गया, उसे फर्दर न पढ़ना हो, ठीक है, तो उसे डबल ट्रिक कर दो, ठीक है। अगर ये लगता है कि अब उसे देखना ही नहीं है तो उसे कट कर दो, ठीक है। तो ये 3 कोडिंग आप बना लो, ये जो है इसका मतलब है 1 मोर रीडिंग, इस पे 1 रीडिंग और ज़रूरत है, ठीक है, इसका मतलब है 9 फर्दर रीडिंग, इसका मतलब है पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से बनाओ। तो आपको लास्ट में ये वाले जो हैं इनको यहाँ से छांट के फिर निकालना होगा, जैसे ये 110-120 पेज जो आपने बना रखे हैं,
ये कोशिश करना आप 100 पेज के अंदर आ जाए तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। 100 पेज का मतलब जानते हो क्या होगा? जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, ये जैसे अभी आपने ये 100 पेज बनाए, अब इसमें से अगर इन प्रॉब्लम को अगर हटाते गए और इनको क्लियर करते गए, जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1/3 प्रॉब्लम ऐसी थी, ठीक है, जो आपने पूरी रिवीजन करने पे क्लियर हो गई, तो ठीक है 120 का 1/3 निकाल दो, ठीक है, इसका 1/3 तो कितना हो गया, ये हो गया 40, तो इसका मतलब अब कितने बचे, 80 पेज, ठीक है। अब इसमें से 80 पेज में से ये जान लो कि ये जो है, ये वाले जिनको नो फर्दर रीडिंग वाला है वो समझ में आ गया है, ठीक है, ये मान लेते हैं 20% आया, ठीक है, तो इसका 20% कितना होगा, 1/5, ठीक है, 16 पेज करीब। ये भी मान लो मैं इसको 65 पेज, चलो इसे मान लेते हैं 65 पेज, ये निकल के आया, ठीक है। अब ये आपका 65 पेज होगा, आज की डेट जो है, जैसे आज 25 जून है, 25 जून है, यहाँ से आपको मैं ये मान लिया कि 25 जून से 5 दिन इसमें लगे आपको पढ़ने में, ठीक है, तो ये जो है यानी 30 जून तक आपके पास जो चीज़ निकल के आई वो आई 65 पेज, ठीक है, कि आपको 65 पेज वाली ऐसी प्रॉब्लम मिल गई जिसको अब पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अब ये देखो कि ये 30 जून के बाद 1 महीने बचते हैं इस 65 पेज को पढ़ने के लिए, ये सच में इससे ज़्यादा नहीं होगा, 65-70 पेज ही होगा। ये 65-70 पेज में आपके ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन आ जाएंगे। अब ऐसा थोड़ा कि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, नहीं, कुछ एक फार्मूले होंगे जो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, बायो में कई सारे जो फैक्ट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, जो फैक्ट फिगर हैं वही आएंगे, बाकी चीज़ें आप यहाँ निपटा ले जाओ। तो ये जो आपका 65 पेज बच रहा है ना, इसको अगर आपको पढ़ने हैं 4 हफ्ते में, ठीक है, तो ये समझिए कि 1 हफ्ते में 15 पेज पढ़ने हैं, समझे। अब इसको जो है फिर से इस बात को फिर से रिपीट करो, इनको वापस जो है इस तरीके से फिर से पढ़ने के बाद इसे कैटेगराइज करो, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नो फर्दर रीडिंग में डाल दो और कुछ बचे हुए को 1 मोर रीडिंग में। जब ऐसा फिर से करोगे तो ये इससे भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये 50% रिड्यूस हो गया, इस रीडिंग में आपने 50% फर्दर कर लिया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये 30-32 पेज हो गया, ठीक है, ये 30-32 पेज हो गए, ठीक है। अब ये 30-32 पेज जो है ये आपको आपके फाइनल है, इसको लास्ट के 1 हफ्ते तक पढ़ना है, जो लास्ट का 1 हफ्ता है इसमें इस 30-32 पेज को आपको पढ़ना है। तो इस 30-32 पेज को पढ़ने का मतलब है कि आप लास्ट के 1 हफ्ते में 2 से 3 बार इसे पढ़ डालेंगे, ठीक है, आपको पूरे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये 30-32 पेज पढ़ने हैं, ठीक है, और उसमें भी ये 2-3 दिन बाद अगर आप चाहो एक बार ठीक ठाक हो गया हो तो एक बार फिर से इसे स्टार्ट कर दो। अगर एक बार और स्टार्ट करके इसे 50% पे ला दिए तो जस्ट बचेगा 15 पेज, ठीक है, और 15 पेज ऐसे रखना है और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक इसे पढ़ना है और इसके बाद उसे रख देना है। ये जान लो कि आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है। इस अप्रोच से आप 80-85% तक के सिलेबस कवर कर सकते हो। 100% कोई स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है, टीचर को खुद नहीं कवर होते हैं बहुत सारे, तो स्टूडेंट को पॉसिबल भी नहीं है। आप अगर 80-85% सिलेबस को कवर कर चुके हैं तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई, अब इसे
बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया, देखने में अच्छा लगा, बोले वाह स्ट्रेटजी अच्छी है, ठीक ठाक है, और इसके बाद आपने इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं किया, और बाद में बोले हमने वीडियो देखा था लेकिन हमने किया नहीं। वो वीडियो देखने से थोड़े होता है। घर में अब ऐसा थोड़े कि आरती आ रही हो टीवी पे, चला दो तो घर में आरती हो गई। आपको भी दिया जलाना पड़ेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ उसे देखने से तो होगा नहीं ना, उसे आपको करना पड़ेगा। स्टेप को आपको ध्यान देना है, जो मैंने स्टेप बताया इन स्टेप को फॉलो करना है। ये बोर्ड पे हैं, इसे जो है मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये बोर्ड पे है, इस पूरे डायग्राम को इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इसे बनाइए। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये क्लियर बढ़ेगा, नो फर्दर रीडिंग बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप वन मोर रीडिंग वाले को रोकिए और बाकी को हटाते जाइए, ठीक है। और लास्ट में आपको पता लगेगा कि बहुत कम चीज़ें बची हैं जिसे हमें रिवाइज करना है। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप पूरी बुक देख रहे हो सकता है उसमें प्रॉब्लम ही ना हो, बहुत कम प्रॉब्लम हो। जैसे बार बार ये ना सोचो मुझे ये आ रहा कि नहीं, मुझे वो आ रहा कि नहीं। और किताबों पे जो पॉइंट आपको आते जा रहे हैं, इनमें से जो पॉइंट आता जा रहा, वहाँ हाइलाइटर से डबल ट्रिक मारते जाओ, सब पे डबल ट्रिक मारते जाओ, ठीक है। तो जब आपको डाउट लगे तो एक बार उसे, कभी कभी आप मत पढ़ा करो, मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त किताब बस खोल के पढ़ते रहो। कभी कभी ना उसमें जो है, जैसे लड़ाई से पहले ना जो तुम्हारे औजार हैं उसमें धार लगानी पड़ती है। एक्चुअल में एक बार अब्राहम लिंकन ने बोला था, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनको पेड़ काटने के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला था कि मैं तो पहले जो है, अगर मुझे पेड़ काटने के 2-3 घंटे मिलने वाले हैं तो मैं शुरुआत के 2 घंटे तो कुल्हाड़ी को तेज करूंगा, उसकी धार तेज करूंगा, और फिर मैं जो है पेड़ काटूंगा, क्योंकि अगर धार ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या होगा। ठीक वही लाइन आप आर्गूमेंट को अगर यहाँ यूज करें, वो वाइज कोटेशन एक्चुअल में क्या बताना चाह रही है, वो कहना ये चाह रही है कि स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करो, अदरवाइज गधे की तरह काम करोगे, बोझा ढोते रहोगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये सब करने में आपको वेस्टेज आप टाइम ना लगे, अभी बहुत टाइम होता है। अगर देखो, अगर आपका माइंड जो है ना, अगर आपको मेंटल पीस होती है तो आप 1 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर दिमाग में हलचल चल रही होती है तो आप कितने घंटे पर डालो बट निकलता कुछ नहीं है। तो अभी आज के लेक्चर में मैं इतना रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इसे देखिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।